फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ वो चीज़ें जो मैं कल लेकर आई थी मार्ट से। मैं स्टैम्प्स लेकर आई हूँ, स्टिकर्स लेकर आई हूँ, लूनार स्टिकर्स लेकर आई हूँ, और आइसक्रीम इरेजर और एक एडेक्स ग्लू। तो सबसे पहले मैं अनबॉक्स करूँगी सील स्टैम्प्स को। तो फ्रेंड्स, मैं मार्ट जो मैं जहाँ शॉप पे गई थी वहाँ पे इतनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई थी। वहाँ पे मिनी क्या कहते हैं मिनी पड़ी हुई थी, पेंसिल, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी। और मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मैं वहाँ पे मोबाइल नहीं लेकर गई थी जिसमें मैं वीडियोस बनाती हूँ, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाई। पर अब जब भी मैं जाऊँगी तब मैं मोबाइल लेकर जाऊँगी और फिर मैं वो वहाँ पे जो जो चीज़ें मैं परचेज करूँगी वहाँ की वीडियो भी बनाऊँगी और आपको भी दिखाऊँगी। सो फ्रेंड्स, मैं इन सब को ट्राई करने वाली हूँ क्योंकि शायद कोई है ना, क्या कहते हैं, कोई चले ना, इसलिए मैं इन सब को ट्राई करने वाली हूँ। बहुत सारे स्टैम्प्स पड़े हुए थे, मतलब कि मुझे तो ये वाले बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने ये वाले ले लिए पैकेट एक। और इसमें एक्सेलेंट प्राइस, इम्प्रूव्ड, सब कुछ था, मतलब कि जो भी आपको मतलब कि एक्सेलेंट इम्प्रूव्ड मिलता है कॉपीज़ में, उन सब के स्टैम्प्स थे। तो अब मैं अनबॉक्स करने वाली हूँ आइसक्रीम इरेजर को, और मुझे नहीं लगता कि मैं इसे इरेजर की तरह यूज़ भी करूँगी क्योंकि इतना ज़्यादा ये क्यूट था कि मुझे दिल ही नहीं जा रहा था कि है ना मैं इसे इरेज करूँ किसी चीज़ पे। और ये क्या कहते हैं, ये टूट के फिर जो जुड़ता भी है, मतलब कि मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे कैसे होता है। इसका एप्पल भी निकलता है और जो चॉकलेट क्रीम है वो भी निकलती है और जो ऑस्ट्रिच है वो भी। और इतना ज़्यादा क्यूट था, इतना क्यूट था जो मैंने इसे ले परचेज कर लिया। और इसके फोर पार्ट्स हैं, फर्स्ट में है कोन, सेकंड में है ऑस्ट्रिच, थर्ड में है क्या कहते हैं चॉकलेट, और फोर्थ में है एक एप्पल। और फ्रेंड्स, जो स्टिकर्स थे वो बहुत ज़्यादा यूनिक पड़े हुए थे, तो मैंने इसमें से एक क्रिस्टल वाले चूज़ किए, बहुत ज़्यादा वो अच्छे थे, तो मैं आपको वो भी अनबॉक्स करके दिखाऊंगी कि वो कैसे थे। और वो बहुत ज़्यादा क्यूट थे, मतलब कि आप देख ही सकते हो कि आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। और मैंने इसे अभी तक अनबॉक्स नहीं किया क्योंकि मुझे मैंने सोचा कि क्यों ना इसकी वीडियो ही बना लेते हैं, और आगे चल के मैं हर महीने मैं ना क्या कहते हैं अनबॉक्स की वीडियो लाऊं, क्योंकि मैं हर महीने दो तीन बार ही जाती हूँ मार्ट में शॉपिंग करने के लिए, क्राफ्ट सप्लाइज की शॉपिंग करने। और फ्रेंड्स, मैंने इसमें से एक रेनबो वाला निकाला तो वो इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, मतलब कि वो मुझे लग रहा था कि वो 3D स्टिकर्स हैं, पर वो 3D नहीं, 3D ही हैं, पर वो लूनार स्टिकर्स हैं, मरमेड स्टिकर्स हैं, और वहाँ पे जो भी सी वाली चीज़ें होती हैं वो थी। बहुत ज़्यादा अच्छे स्टिकर्स थे और वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्टिकर्स पड़े हुए थे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा लूँ, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा क्यूट लगे तो मैंने ये परचेज कर लिया। और फ्रेंड्स, मुझे आप बताइएगा कमेंट्स में कि आपने कभी ऐसे स्टिकर्स देखे हैं क्या। मैंने तो कभी भी नहीं देखे ऐसे स्टिकर्स, और वहाँ पे इतने सारे और स्टिकर्स पड़े हुए थे जो मैंने कभी देखे भी नहीं थे। और फ्रेंड्स, जो स्टैम्प्स वाला था मैंने उसे पॉपेट भी बना लिया। मेरे पास एक हर्ट वाला पॉपेट था पर वो पता नहीं कहाँ गुम हो गया और वो मुझे अभी तक मिल ही नहीं रहा। जस
जैसे ही वो मुझे मिलेगा तो मैं उसकी भी वीडियो बनाऊंगी। और हाँ गाइस, मुझे एक कमेंट आया था जिसमें था कि हमें आपकी क्या कहते हैं नोटबुक देखनी है, वो वाली स्टिकर्स बुक। तो मैंने वो बहुत बहुत पहले बनाई थी और उसमें से मैंने बहुत सारे स्टिकर्स निकाल भी दिए हैं, तो मैं उसकी भी वीडियो जल्द ही लेकर आने वाली हूँ। और गाइस, मेरे पास इतने सारे स्टिकर्स हैं, इतने सारे हैंडमेड स्टिकर्स हैं, 100-200 प्लस तो होंगे ही मेरे पास, तो मैं उसकी भी वीडियो लेकर आऊँगी। और मैं अब सारी जो जो चीज़ें मैंने निकाली थी उनको फिर से मैं अनपैक कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, मुझे कमेंट में बताइएगा आपको इन सब चीज़ों में से क्या अच्छा लगा। मतलब कि मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगी, खासकर वो स्टिकर्स तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हाँ गाइस, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जैसे ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो स्टिकर्स थे उनका जो पैकेट था वो तो मैंने जल्दी से अंदर डाल दिया, पर जो स्टिकर्स थे वो इतने ज़्यादा मुश्किल थे अंदर डालने के लिए, तो मैंने वीडियो को पॉज किया, उसके बाद डाला, उसके बाद भी नहीं डाल रहा था, इतनी मुश्किल से डाला है ये। और गाइस, मैंने एडिक्स ग्लू की वीडियोस लिए नहीं बनाई क्योंकि वो तो कॉमन है, वो तो हर किसी के पास ही होती है, तो उसको देख के आप क्या करोगे, है ना। फिर भी मैंने उससे दिखा दिया कि वो कैसे मतलब कि मैंने वो एडिक्स ग्लू ली है क्योंकि मेरे पास ग्लू ख़त्म हो गई थी इसलिए।